है गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा एक एडिट टैक्स बटन्स एंड टैक्स व्यू के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एडिट टैक्स ले लेता हूँ। डिजाइन में आपको भी पता चल जाएगा क्या करना है। और यहाँ पे मैं लेआउट सेट करता हूँ। लेआउट तो नहीं होता, सॉरी, यहाँ पर भी करते हैं। और यहाँ पे मैं इसकी फुल प्रिंट दे देता हूँ आपके लिए। सेकंड है कि उसकी हाइट में क्या देने जाऊँगा, तो लेआउट अंडरस्कोर हाइट HIGHT। और यहाँ पर मैं ब्रेक कंटेंट दे देता हूँ सिंपल। अब मुझे इसकी IDP चेंज करनी ही बोले, तो यहाँ पर मैं IDP ले लेता हूँ। अब बात आती है मैं दिखाना चाहता हूँ। पहले मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ और कंट्रोल एस करके आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं क्या है। अब मैं इसकी एक प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ जिसका नाम है हिंट। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ और कंट्रोल डी करके फिर से दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका नाम भी यहाँ पे आ गया, सॉरी, टेक्स्ट व्यू में लिखा के आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट व्यू के नीचे ही एक बटन लेता हूँ, क्योंकि जो एडिट टेक्स है उसकी मैं वैल्यू टेक्स्ट व्यू में प्रिंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं बटन ले लेता हूँ, एक बटन। और यहाँ पे लेआउट विड्थ ले लेता हूँ, लेआउट विड्थ ले लेता हूँ फुल पैरेंट्स। और इसकी हाइट लेआउट, और यहाँ पे हाइट भी दे दी है। तो यहाँ पे मैं वेब कंटेनर रखता हूँ, कंट्रोलर्स, सॉरी, ओके। अभी यहाँ पे मैं IDP पास कर देता हूँ क्योंकि वो मुझे काम आने वाले। यहाँ पे IDP दे दिए, कंट्रोल एस देख कर चेक कर लेता हूँ मैं। ओके, कंट्रोल एस एंड देन कंट्रोल डी। यहाँ पे बटन भी लिख के है, तो उसमें कुछ बटन लिख के है, तो मैं उसका टेक्स्ट भी दे देता हूँ। तो उसकी छोटी है टेक्स यहाँ पे लास्ट में होगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं सबमिट ही रखता हूँ, सबमिट, कंट्रोल एस एंड देन कंट्रोल डी आपको दिखा देने वो। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट भी लेता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ भी ये कर देता हूँ। यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू कर देता हूँ, TXT व्यू। यहाँ पे मैं, सॉरी, IDP सेट कर देता हूँ, फुल पेंट लिखा है। अब यहाँ पे सबमिट की वजह से मैं यहाँ पे सिंपल नेम लिख देता हूँ। कंट्रोल एस करके आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे नेम आ गया, यहाँ पे बटन आ गया और यहाँ पे टेक्स्ट भी आ गया। जाता हूँ डायरेक्ट मेन एक्टिविटी डॉट जहाँ में, और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या कुछ करना है। यस, यहाँ पे मैं सबके ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो पहले लिखता हूँ एडिट व्यू, टेक्स को ले लेता हूँ। वो यहाँ पे टेक्स व्यू को भी ले लेता हूँ, तो TXT व्यू और T1, सॉरी, बटन खाली है, कॉम्पो भी नहीं लेते हैं। यहाँ बटन और भी हो गया सिंपल। अब कर रहे हैं यहाँ पे, ये डिफाइन कर लेता हूँ।
a1 is equal to select tags, and then find the radical of a scale in the space tau n is tags. Say tags will be in the tau. उसकी भी आईडी फेच करता हूँ यहाँ पे मिलेगी। ओके अब करता क्या हूँ, ओके ऐसे बटन की भी आती है तो बटन इक्वल टू बटन एंड देन फाइंड यू बाय आईडी और यहाँ पे आई डॉट आईडी डॉट मेन बटन। ओके ठीक है कंट्रोल एस अब करता क्या हूँ यार, B1 मीन्स के बटन पर कोई यूजर क्लिक करता है तो मुझे उस एडिट टेक्स्ट की वैल्यू टेक्स्ट व्यू में लिखना है। तो यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिसनर चला रहा हूँ। बंदा कोई बटन पर क्लिक करता है तो क्या होना है, तो सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे व्यू लिखना होगा, यहाँ पे है व्यू डॉट मैं करके होता हूँ व्यू यहाँ पे लास्ट यार व्यू डॉट एन क्लिक मैं कर होता हूँ यहाँ पे। ओके यहाँ पे डायरेक्ट फोर पब्लिक फोल्ड ऑन क्लिक यस यहाँ आ गया, यहाँ पे खुलना है यहाँ पे चलाना। ओके कंट्रोल एस यहाँ पे बाकी रह गया, यहाँ पे लिखना है व्यू व्यू चल गया। यहाँ पे भी ले लेता हूँ इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ओके करता हूँ कंट्रोल एस सेकंड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ E1 एंड सॉरी यहाँ पे मैं एक अलग सा वेरिएबल बनाता हूँ नेम का और स्ट्रिंग नाम के ही एक वेरिएबल में वैल्यू होप ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ E1 डॉट लेट से गेट टेक्स नाम की प्रॉपर्टी होते हैं जो कि वो उसका टेक्स देती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्ट्रिंग नेम के वेरिएबल में एक एडिट मीन्स E1 जो कि ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू मैंने स्टोर की है नेम नाम ने वेरिएबल में। अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ तो यहाँ पे मैंने T1 नाम का और एक ऑब्जेक्ट बनाया था और उसकी एक प्रॉपर्टी है सेट टेक्स्ट और यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ नेम। ओके कंट्रोल एंड देन रन